जी बच्चों, वेलकम टू ऑल माय लास्ट लेक्चर ऑफ वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स। वी आर कंटिन्यूइंग अवर चैप्टर वर्क मेजरमेंट एंड इन दिस सीरीज वी आर रीचिंग टू द लास्ट पॉइंट। टुडे वी आर ऑन लेक्चर नंबर 6 एंड वी आर गोइंग टू वाइंड अप द टॉपिक वर्क मेजरमेंट टेक्निक इन विच टुडे वी have to discuss the remaining last three techniques of work measurement. What are these last three techniques? Let's discuss one by one. The first technique today we have to discuss, that is work sampling. The second one, stopwatch technique, and the third is standard data technique for the work measurement. All these techniques we have to discuss one by one. Let's start from work sampling. What is work sampling? As the name shows clearly, it means we have to take sample in work sampling. Work sampling is also known as random sampling or activity sampling developed by Leonard Henry Caleb in year 1934. इसमें क्या होता है, वर्क सैम्पलिंग में हमें अपने जो जिस भी जॉब को हमने मेजर करना होता है उसमें हमें उस जॉब को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करना होता है और उसके हर कंपोनेंट्स की हमें अलग से सैम्पलिंग करनी पड़ती है। सैम्पलिंग एक टेक्निक है जिसमें हम पूरा पूरा प्रोसेस को स्टार्टिंग से वन बाय वन इंस्पेक्शन ना करके बीच में से कुछ थोड़ी ओवरऑल रैंडमली कुछ सैंपल ले लेते हैं जिनके जिनका एनालिसिस करके उनके रिजल्ट का एनालिसिस करके हम पता लगाते हैं कि ये हमारा लोट डिफेक्टिव तो नहीं है या फिर इसको ये हमारा उसको हमने अपना इसको हमने पास करना है या सैंपल को फेल लोड को पास करना है या फेल करना है। ये डिसीजन हम लेते हैं टोटली ऑन द डिसीजन ऑफ दैट सैंपल। तो इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्निक वेयर वेरियस रिसोर्सेज लाइक मैन मशीन मटेरियल आर मेजर्ड। ये टेक्निक का हम यूज करते हैं रिसोर्सेज का पता लगाने के लिए, मैन मशीन और मटेरियल हमें कितना रिसोर्स चाहिए एक्चुअल में अपने काम को करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। This technique discloses poor planning, overstaffing, inadequate utilization of workers, and poor discipline. तो ये छोटी मोटी कमियां हर कंपनी के अंदर होती हैं, तो यही चीजें हैं कि जो हम इनको फाइंड आउट करते हैं, यही हमारा काम होता है। तो इन्हीं में ही कुछ हैं हमारे भी लूपहोल्स जो हो सकते हैं, लाइक पुअर प्लानिंग, ओवर स्टाफिंग, स्टाफ ज्यादा हो सकता है आपका, इनएडिक्वेट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। इन सबको ठीक करने के लिए हम वर्क सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो वर्क सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऑब्जर्वेशन अबाउट वर्क आर कलेक्टेड आफ्टर वेरियस टाइम इंटरवल्स। मैंने पहले भी कहा है आपको, इसमें हम थोड़े थोड़े टाइम बाद अलग अलग जगह से कुछ सैंपल लेते हैं और उन सैंपल्स को कलेक्ट करके उनकी ऑब्जर्वेशन करते हैं और उनका रिजल्ट निकाल के उनके ऊपर काम करते हैं। और इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक टू स्टडी ऑफ वेरियस वर्क एक्टिविटीज। और ये टेक्निक आपकी डाटा की स्टैटिस्टिकल टेक्निक है सैम्पलिंग की। इसमें हम हर तरह के वर्क सैंपल हर तरह के वर्क को हर तरह के असाइनमेंट को कर सकते हैं उसको छोटी छोटी एक्टिविटीज में ब्रेक करके। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन आफ्टर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग टास्क यूजिंग ए पेपर एंड रैंडम नंबर टेबल। इसमें हम करते हैं वर्क सैंपलिंग टेक्निक में हम एक हमारा रैंडम नंबर टेबल होता है जो रैंडम नंबर टेबल टेक्निक का यूज करके हम हर डाटा का हर काम का जो भी हमने काम करना है उसका एक्सटेंडेड टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं और उस टाइम को जो मैनुअल टाइम हो रहा है मैनुअल टास्क को करने में जो टाइम लगा है उसके साथ कंपेयर करके निकालते हैं टाइम कि कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा है या कितना टाइम कम लगा है किसी काम को करने में। और उसी बेस पे हम चेक करते हैं कि अपने वर्कर की एफिशिएंसीज को और मशीन की एफिशिएंसीज को। अब हमने कैसे परफॉर्म करना है वर्क सैंपलिंग को, इसका एक डिफाइंड प्रोसीजर है। तो इसमें सबसे पहले हमने करना होता है आइडेंटिफाई करना है जिस भी एक्टिविटी को या वर्कर के ऊपर हमने वर्क सैंपलिंग करनी है और उसके बाद हमने प्लान करना है, प्लान द सैंपलिंग प्रोसीजर। और प्लान करते हुए हमने सबसे पहले टास्क को एक्टिविटी को स्मॉल एलिमेंट्स में वेरियस एलिमेंट्स में ब्रेक कर देना है और देन हमने असाइन करना है ड्यूटीज को फॉर डूइंग सैंपलिंग। हमने एक टीम लगानी है जो सैंपल देगी अलग अलग जगह से काम की और उनकी रीडिंग को नोट करेंगी एंड देन हमने स्टार्ट द स्टडी। उनके ऊपर काम करना है ऑब्जर्वेशंस के ऊपर कि उनको रैंडमली हमने जो
रैंडम नंबर टेबल से जो हमने टाइम निकाला है उसके साथ कंपेयर करके रैंडमली विजिट एट वेरियस सैम्पलिंग एरियाज एंड कलेक्ट द ऑब्जर्वेशंस, और जो हम अलग अलग जगहों पे विजिट करके जो हम ऑब्जर्वेशन लेंगे उसके साथ कंपेयर करके जब हम एनालाइज करते हैं और जो एनालाइज करने के बाद रिजल्ट आता है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये है हमारा सारा प्रोसीजर वर्क सैंपलिंग का, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है और इसको हम करके कोई भी किसी भी काम का सैंपल वर्क सैंपलिंग प्रोसेस से वर्क कैलकुलेशन कर सकते हैं, वर्क मेजरमेंट कर सकते हैं। अब है कि एडवांटेज क्या है वर्क सैंपलिंग को यूज करने के, क्यों हम वर्क सैंपलिंग को यूज करें बिसाइड एनी अदर टेक्निक, बिकॉज इट इज लेस एक्सपेंसिव, ऑब्जर्वर कैन कंडक्ट द सैंपलिंग वर्क विद मिनिमम स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग एंड द सिंगल ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली वेरियस ऑपरेटर्स, एक ऑब्जर्वर एक साथ कई ऑपरेटर्स पे और मशीन्स पे आपकी सैम्पलिंग कर सकता है इस टेक्निक के साथ, और इसमें लेस एनजाइटी अमंग वर्कर्स, वर्कर्स में ज्यादा घबराहट भी नहीं होती इस टेक्निक को लेके, क्योंकि सिंपल उनकी मूवमेंट्स को बस नोट करता है और कुछ नहीं, दैट्स इट। द स्टडी कैन बी इंटरप्टेड एट एनी टाइम बट इट डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट्स, इस स्टडी को हम बीच में कभी भी रोक सकते हैं, बट इसका बेनिफिट ये है कि जब हम इसको रोकते हैं तो इससे हमारा काम डिस्टर्ब नहीं होता। इट मेजर्स वेरियस रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन, और इस वर्क सैम्पलिंग से हम वेरियस रिसोर्सेज का और उनका यूटिलाइजेशन का पता लगा सकते हैं, और नो मैकेनिकल डिवाइसेज इज नीडेड, इसमें हमें किसी भी एक्स्ट्रा मैकेनिकल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, ये एक प्योरली स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। द जॉब्स कवर्ड इन दिस स्टडी हैज लॉन्ग साइकिल टाइम एंड कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस टास्क रेदर देन सिंगल रेपिटेटिव टास्क, इसमें ज्यादातर हम उन जॉब्स को कवर करते हैं वर्क सैम्पलिंग के लिए जिनका बार बार रेपिटेटिव काम नहीं होता, वो काफी लंबे आपके जॉब्स होते हैं, काफी लंबा साइकिल होता है उनका कंप्लीट होने का। तो ये हमारे एडवांटेज हैं वर्क सैम्पलिंग के। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी हमें देखना है। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इट कांट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन, इसमें हम बीच बीच में से सैंपल देते हैं किसी किसी लोकेशन से सरप्राइजली विजिट करके, तो ये कभी भी हमें पूरा 100% इंफॉर्मेशन नहीं देता आपकी पूरे रोड की या फिर पूरे प्रोडक्ट की। इट इज ऑफ लिटल वैल्यू फॉर इम्प्रूविंग वर्क मेथड, ये आपकी एक छोटी सी वैल्यू है, आपको हिंट देता है अपने वर्क को इम्प्रूव करने के लिए कि इस रोड में ये कमियां आ रही हैं, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बट पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देता आपको। इट ओनली प्रेजेंट्स एवरेज रिजल्ट्स, ये भी हमें पता लगी क्या है ऊपर से कि अगर हम इसमें पूरी स्टडी नहीं करते, हम इसमें कहीं कहीं से सैंपल लेते हैं तो हमें जस्ट एवरेज रिजल्ट ही पता लगता है, कंप्लीट रिजल्ट हम इसमें से पता नहीं दिखा सकते। कंप्लीट रिजल्ट क्या तब पता लग सकता है जब हम 100% सैंपलिंग करेंगे एक एक चीज की, अलग अलग एक एक आइटम की अलग अलग तरीके से चेक करके उसकी मेजरमेंट करके। द स्टडी इज टू नॉट इकोनॉमिकल इफ ऑपरेटर्स और मशीन्स आर लोकेटेड अवर वाइड एरियाज, क्या है कि ये टेक्निक तब इकोनॉमिकल नहीं होती जब आपके ऑपरेटर और मशीन बहुत ज्यादा वाइड एरिया में फैले हुए हैं, क्योंकि फिर हमें सैम्पलिंग लेने के लिए अलग अलग जगहों पे जाके विजिट करना पड़ता है, तो इसलिए ये टेक्निक वहां पे फेल हो जाती है। तो ये तो थी आज की हमारी पहली टेक्निक, इसमें एक हमारा यूसेज आ गया, हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं वर्क सैम्पलिंग का। तो इसमें एप्लीकेशन आ गई है इसकी टू मेजर वेरियस रिसोर्सेज ऑफ सेम नेचर, इसका यूज करके हम सिमिलर टाइप के आपके रिसोर्सेज का पता लगा सकते हैं और उनको आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, कि कितना परसेंट यूज हो रहा है कौन सा रिसोर्स वो पता लगाया जा सकता है। टू डिटरमिन द यूटिलाइजेशन ऑफ क्लरिकल ऑपरेशंस, बोथ प्रोडक्टिव एज वेल एज नॉन प्रोडक्टिव, हमें यह पता लगाने में हेल्प होती है कि क्लरिकल ऑपरेशन में कौन प्रोडक्टिवली काम कर रहा है और कौन नॉन प्रोडक्टिवली काम कर रहा है। टू डिटरमाइन यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, हमें अपने मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का भी यूटिलाइजेशन समझ में आता है कि उनका क्या यूज है जो हम वर्क सैम्पलिंग का प्रॉपरली डाटा इकट्ठा करते हैं। तो टू मेजर परफॉर्मेंस इन रेशियो डिले स्टडीज, मीन्स इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा काम लेट हो रहा है वो किस रेशियो में लेट हो रहा है, ये डेली होता है या कभी कभी हो रहा है। कई बार इसमें हमें वर्कर्स के इंटेंशन का भी पता लगता है कि एक्चुअल में वर्कर के इंटेंशन क्या थे। टू एग्जामिन वर्क इन डिफरेंट environments लाइक कंस्ट्रक्शन हेल्थ केयर एंड academics, इसमें हमें डिफरेंट एटमोसफेयर में वर्क conditions का कंस्ट्रक्शन का हेल्थ केयर का आइडिया होता है, क्योंकि हमें अलग अलग जगहों पर जाके सैंपल देने पड़ते हैं वर्क सैंपल में। टू एग्जामिन रेंज ऑफ डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चन, हमारे हर बार जब हम कुछ नया सैंपल देते हैं तो कुछ नए क्वेश्चन क्रिएट होते हैं हमारे सामने,
that is a good to provide a basis for intact labor standards. इसका मतलब है कि लेबर स्टैंडर्ड होते हैं, जब हम लेबर्स की वेज कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए इनडायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम वर्क सैंपलिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड टेक्निक पे आज की, डेट इज स्टॉप वॉच टाइम स्टडी। आपको नाम से क्लियर हो गया होगा, इसमें हम यूज करते हैं अपनी स्टॉप वॉच का। स्टॉप वॉच एक तरह का डिवाइस है जो हम यूज करते हैं काम को मापने के लिए। इट इज अ टेक्निक ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन अलाउड टाइम स्टैंडर्ड टू परफॉर्म ए गिवन टास्क यूजिंग स्टॉपवॉच विद ड्यू अलाउंस। ये एक तरह का मेथड है जिसके अंदर हम अलाउड स्टैंडर्ड टाइम को पता लगाते हैं, उसमें जो भी अलाउड अलाउंस है ऐड करने के बाद। और ये हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच कैलकुलेट करते हैं। द डिवाइस मेजर्स दैट हाउ लॉन्ग इट टेक्स एन एवरेज वर्कर टू कंप्लीट अ टास्क एट नॉर्मल पेस। इसका स्टॉपवॉच स्टडी में हम ये पता लगाते हैं कि एक नॉर्मल वर्कर किसी काम को करने में कितना समय लगाता है और कितनी देर में काम खत्म कर देता है। और इस स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विद मोर क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज, और उसमें अपने प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को भी इम्प्रूव करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है स्टॉपवॉच टाइम स्टडी का। अब इसमें हम क्या क्या चीजें हेल्पफुल हैं, द स्टडी इज हेल्पफुल इन फॉलोइंग वेज। कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल है हमारी स्टडी, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी बाय डिटरमिनिंग मशीन इफेक्टिवनेस। सबसे पहले तो मशीन की इफेक्टिविटी निकालने के लिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए। इट इज हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन, जो ऑलरेडी ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम स्टॉपवॉच टाइम स्टडी का यूज करते हैं। एंड इट डिटरमिन्स शेड्यूल्ड एंड प्लान्ड वर्क, जो हमने शेड्यूल करके काम करते हैं, प्लान करके काम करते हैं, उनका पता लगाने पे भी हमें स्टॉपवॉच की हेल्प लेनी पड़ती है। इट डिटरमाइंस टाइम स्टैंडर्ड्स, टाइम स्टैंडर्ड्स हर चीज को करने के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनका कुछ स्टैंडर्ड टाइम होता है, उसका पता लगाने के लिए भी हम स्टॉपवॉच स्टडी का यूज करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू नो अबाउट लेबर एफिशिएंसी, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड लेबर परफॉर्मेंस। सिंपल है, अगर हम प्रॉपर स्टडी करेंगे स्टॉपवॉच के साथ मेजर करके, तो हम बेटर आइडिया दे सकते हैं कि किसी वर्कर ने कितना काम किया है, कितनी प्रोडक्टिविटी दी है, उस बेस पे उसकी परफॉर्मेंस और सैलरी भी चेक कर सकते हैं। एंड ओवरव्यू ऑफ द परफॉर्म द टास्क कैन बी कैलकुलेटेड। इसमें बात हो रही है, लास्ट पॉइंट देखिए एक बार, एंड ओवरऑल टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क कैन बी कैलकुलेटेड। इसमें बात हो रही है ओवरऑल टाइम रिक्वायर्ड की, कि किसी ऑपरेशन को करने में ओवरऑल कितना टाइम लगा है, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं स्टॉपवॉच स्टडी का। तो इसमें अब हम आगे चलते हैं इसी टॉपिक में, प्रोसीजर आ जाता है हमारा स्टॉपवॉच टाइम स्टडी का, कि कैसे हमने ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट हमने क्या करना है, टास्क सेलेक्ट करना है जिसका हमने टाइमली स्टडी स्टॉपवॉच टाइम स्टडी करना है। देन हमने करेक्ट करना है, करेक्ट मेथड ऑफ वर्किंग इज रिकॉर्डेड, ये चेक करना है कि जो मेथड यूज हो रहा है वो करेक्ट मेथड है जिसके ऊपर हमने टाइम स्टडी एनालिसिस करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, वर्कर को सिलेक्ट करना है स्टडी के लिए, किस वर्कर को हम चुन रहे हैं, जिसका भी उस टाइम रोल है, उस टाइम शिफ्ट में जरूरत है, उसको हम चूज करेंगे। एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टास्क डिपार्टमेंट एंड लेबर इज रिकॉर्डेड ऑन ऑब्जर्वेशन शीट। हम ऑब्जर्वेशन शीट के ऊपर फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट का काम है, क्या टास्क हो रहा है और क्या कौन सी लेबर काम को कर रही है, ये सारा डाटा हमने लिखना है। डिवाइड द टास्क इनटू वेरियस वर्किंग एलिमेंट्स, हमने काम को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, हमने छोटे वर्किंग एलिमेंट्स में ब्रेक कर देना है और उनका इंडिविजुअली टाइम स्टडी करना है सबका अलग अलग से विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच। अब स्टैंडर्ड रेटिंग निकालनी है। स्टैंडर्ड रेटिंग इज डिटरमाइंड एंड नॉर्मल टाइम रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर टास्क इफ कैलकुलेटेड। बात हो कि जो हमने अलग अलग टास्क बनाए हैं, अलग अलग एलिमेंट बनाए हैं, उनका स्टैंडर्ड रेटिंग निकालनी है सभी की अलग अलग से, और उसमें अलाउंस ऐड करने हैं, और अलाउंस ऐड करने के बाद कंपनी की पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करती है ये स्टॉपवॉच टाइम स्टडी, कि ये कंपनी इस काम को इतने घंटे में करती है और इसका इतना पे करती है, तो ये सारा पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्पफुल है। एंड स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड एट द एंड, और ये जब हम सारा पॉलिसी बना देते हैं उसके बाद हर चीज का एक स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है, और आगे हम उसी के अकॉर्डिंग ही उसको लॉन्ग टर्म में देके चल सकते हैं। अब आ जाती है क्लासिफिकेशन, कितने टाइप की आपकी स्टॉपवॉच हम यूज करते हैं जब हम स्टॉपवॉच स्टडी करते हैं। तो आप सभी को पता है कि दो तरह की स्टॉपवॉच होती है, एक डिजिटली जो काम करती है, दूसरी एनालॉजिकल
स्टॉप वॉच. तो डिजिटल जो स्टॉप वॉच है उसमें टाइम मेजर होता है बाय द डिवीजन ऑफ टाइम बेस ऑसिलेटर. इसमें हम ऑसिलेशंस की स्टडी करते हैं. द टाइम बेस इज अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर दैट यूजुअली हैज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्ट वॉचेस. डिजिटल स्टॉप वॉच की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है आपकी रिस्ट वॉच के बराबर होती है, दैट इज 32,768 हर्ट्ज. यही फ्रीक्वेंसी आपके रिस्ट वॉच की भी होती है जो आप कलाई पे डालते हो. एंड द वॉच कंज्यूम्स लेस बैटरी. इसका एडवांटेज क्या है, ये बैटरी को बहुत कम खाती है. एंड द डिजिटल डिवाइडर्स आर प्रेजेंट हियर दैट काउंट्स द टाइम बेस ऑसिलेशंस फॉर द पीरियड इनिशिएटेड बाय स्टार्ट और स्टॉप बटन. इसमें हम फौरन स्टार्ट और स्टॉप बटन को दबा के कभी भी किसी भी माइक्रो रीडिंग को नोट कर सकते हैं. ये इसका बेनिफिट है. और एनालॉग स्टॉप वॉच का भी बेनिफिट है कुछ. इसमें क्या होता है देखिए, इन एनालॉग स्टॉप वॉच टाइम इज मेजर्ड बाय मैकेनिकल मूवमेंट. इसमें हम नीडल की मूवमेंट के साथ स्टडी करते हैं कितना टाइम लगा है किसी काम को करने में. देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल स्टॉप वॉच. द टाइम बेस इज मैकेनिकली मेनस्प्रिंग एंड सिंक्रोनाइज मोटर ड्रिवन इलेक्ट्रिकली. इसमें क्या है कि जो भी आपका टाइम होता है मूवमेंट होता है वो एक स्प्रिंग के साथ नीडल्स की मूवमेंट होती है और इसकी जो सिंक्रोनस मोटर ड्रिवन इलेक्ट्रिकली, जो इसकी मोटर काम करती है वो इलेक्ट्रिकली एक इलेक्ट्रिकली सप्लाई से कनेक्ट होती है. द रेट ऑफ विच स्प्रिंग अनविंड्स इज गवर्न बाय द बैलेंस व्हील एंड विच प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. बात हुई है कि जो स्प्रिंग हम यूज करते हैं उसकी बात हुई है, उसके आपकी जो मोशन है वो आपका कंसिस्टेंटली काम करता है, उसमें ऑसिलेशन आपकी एक फिक्स पीरियड में फिक्स रहते हैं और वो हम गवर्न करते हैं बाय द यूज ऑफ बैलेंस व्हील. एक हमने साइड में व्हील लगाए हुए छोटे छोटे जिसके साथ हम, जिसको हम चाबी भी कह देते हैं कि चाबी देके हम इसको एनालॉग स्टॉप वॉच को यूज में लाते हैं. द मिनिमम टाइम इंटरवल फॉर दिस टाइप ऑफ स्टॉप वॉच इज 3 hours विदाउट रिवाइंडिंग. मिनिमम टाइम इंटरवल होता है जहां तक हम इसके साथ रीडिंग ले सकते हैं विदाउट रिवाइंडिंग, होता है दोबारा से बिना चाबी भरे 3 hours होता है. 3 hours तक हर वॉच आपके एनालॉग वॉच काम करती है. द फेस ऑफ द डायल मस्ट बी वाइट विद ब्लैक और रेड ग्रेजुएशंस. ज्यादातर जो आपकी प्रेफर्ड एनालॉग स्टॉप वॉच होती है उनका जो डायल होता है वो व्हाइट होता है और उसके ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं वो आपकी ब्लैक कलर में होती है ग्रेजुएशंस. एंड हैंड्स ऑफ द स्टॉप वॉच आल्सो आइदर ब्लैक और रेड इन कलर. और जो आपकी सुई होती है जिसके साथ नीडल होता है उसकी भी जो आपके कलर होता है वो ब्लैक भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अवर रिक्वायरमेंट. तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन. अब हम मूव करते हैं लास्ट टेक्निक पे वर्क मेजरमेंट की. इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. स्टैंडर्ड डाटा, दिस इज द लास्ट टेक्निक ऑफ वर्क मेजरमेंट. स्टैंडर्ड डाटा इज अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ नॉर्मल टाइम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ जॉब्स. हम क्या करते हैं, जो हमने जितने भी काम जो भी हमारे पास जॉब होती है हम उससे रिलेटेड पास्ट डाटा को कलेक्ट करके एक लाइब्रेरी में स्टोर करके रखते हैं और उसमें हर काम के जो सिमिलर टास्क होते हैं उसमें उसकी नॉर्मल टाइम की वैल्यू नोट की हुई होती है हमने और उस रीडिंग का हम यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड डाटा. स्टैंडर्ड डाटा इज इम्पोर्टेंट बिकॉज सेम एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेसेस आर इन्वॉल्वड इन मेनी जॉब्स. ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि काफी जो जॉब्स होती हैं वो हमारी इंडस्ट्री में रिपीट होती हैं. हम एक प्रोसेस को कई ऑपरेशन कई कंपोनेंट्स को बनाने में बार बार रिपीट करते हैं तो अगर हम उनको बार बार टाइम स्टैंडर्ड के साथ टाइम स्टडी करके उनकी बार बार कैलकुलेशन करेंगे वर्क मेजरमेंट्स की टेक्निक की तो ये हमारा बहुत ही टाइम वेस्टिंग टेक्निक होगा. तो हम क्या करते हैं, जो सिमिलर एप्लीकेशन होती हैं पहले जिनके ऊपर हमने स्टडी किया होता है टाइम स्टडी टेक्निक से वही डाटा को आगे के लिए यूज कर देते हैं एज ए स्टैंडर्ड डाटा. टोटल टाइम इवैल्यूएटेड इज अ मेजर ऑफ नॉर्मल टाइम फॉर अ पर्टिकुलर जॉब कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड टाइम बाय समिंग इट्स अलाउंस. इसमें हमने इस चीज का ध्यान देना होता है कि जो भी हमने डाटा लिया है पास्ट उसमें प्रॉपर अलाउंस एड है या नहीं है क्योंकि जो भी रिजनेबल अलाउंस है उनका एडिशन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशन के लिए. अब कितने टाइप का स्टैंडर्ड डाटा होता है वो देखिए, पहले आ जाता है आपका एलिमेंट स्टैंडर्ड डाटा और मैक्रो डाटा. एज इट इज इसमें क्या है कि जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा है मैक्रो डाटा एक बड़ा डाटा होता है. एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम इट डील्स विद द एलिमेंट ऑफ जॉब्स. इसमें हम केवल जॉब्स के एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं. इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द नॉर्मल टाइम फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ जॉब्स एंड द एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ डाटा इज लेथ मशीनिंग इन विच ऑपरेशंस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स. ये हम एग्जाम्पल देते हैं एलिमेंट स्टैंडर्ड डाटा का या फिर मैक्रो डाटा का लेथ मशीन के साथ कि लेथ मशीन के ऊपर हम जब किसी ऑपरेशन को करते हैं तो हम उसको डिफरेंट एलिमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं
to showing the normal time of particular jobs, which define many parameters like size, type of materials used, etc. तो ये होती है आपकी एलिमेंट स्टैंडर्ड डाटा. तो इसके बाद आपका दूसरा आता है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डाटा और माइक्रो डाटा. ये आपका माइक्रो डाटा होता है बहुत ही. दिस टाइप ऑफ डाटा इन्वॉल्व्स स्मॉल चेंजेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग ऑपरेशंस ऑफ ए जॉब एंड इज एग्जामिन्ड बाय माइक्रोस्कोपिक मेथड्स. इसको हम माइक्रोस्कोपिक मेथड के साथ ही ऑब्जर्व कर सकते हैं. इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी जॉब कंटेन्स माइनट मूवमेंट्स कॉल्ड फैब्रिक्स. ये आपका डिपेंड करता है माइक्रो मोशन स्टडीज के ऊपर. माइक्रो मोशन स्टडी जब हम करते हैं तो हमने देखा था कुछ फैब्रिक्स हमने पढ़े थे. उसमें हमने पढ़े थे कि हर चीज को मेजर करने के स्मॉल सिंबल्स बने हुए हैं, उनका एक डेफिनेट टाइम है, उसके अंदर वो कंप्लीट हो जाती है. ये हमने सीमो चार्ट के अंदर देखा था. एंड माइक्रो डाटा इवेल्युएट्स नॉर्मल टाइम फॉर ए जॉब बाय स्टडिंग द बेसिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट. और माइक्रो डाटा में हम क्या करते हैं, नॉर्मल टाइम को कैसे निकालते हैं, उन सारे मूवमेंट्स को एड करके एक बड़ा ऑपरेशन बना देते हैं, जिससे हमें एक कैलकुलेशन करने में स्टैंडर्ड डाटा की हेल्प मिलती है. अब आ जाता है हमारा एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड डाटा. क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहले एक ग्रेटर प्रोडक्टिविटी विद रिड्यूस्ड कॉस्ट. इसमें हमें कुछ भी मैनुअल ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, सारा पास्ट डाटा होता है उसी का हम रिवाइंड करके सारा अपना टास्क परफॉर्म कर देते हैं. फिक्स द, इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. फिक्स द स्टैंडर्ड बिफोर इट्स प्रोडक्शन. पहले ही हमारे स्टैंडर्ड सेट हो चुके होते हैं प्रोडक्शन स्टार्ट होने से. प्रोवाइड डाटा टू वेरियस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. इसमें हम अलग अलग डाटा प्रोवाइड करवाते हैं वेरियस अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए. और परफॉर्मेंस इज जज्ड. इस बेस पे हम परफॉर्मेंस की जजमेंट भी कर सकते हैं कि आपकी जो वर्कर है, मशीन है, किस तरह की परफॉर्मेंस आपको दे रही है. कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो मेंटेन्ड. इसके साथ हम कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन कर सकते हैं अपनी मशीन की और वर्कर्स की. लास्ट टॉपिक है हमारा यूसेज ऑफ स्टैंडर्ड डाटा. अब जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, स्टैंडर्ड डाटा कलेक्ट किया, उसका क्या यूज है? सबसे पहला यूज है कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर न्यू जॉब इज कैलकुलेटेड क्विकली. अगर हम कोई नया काम को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेशन के लिए हमें किसी चीज का वेट नहीं करना पड़ता. हमें कोई अलग से टेक्निक नहीं यूज में लानी पड़ती, हम क्विकली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड है, इट इज इकोनॉमिकल टू यूज. काफी इकोनॉमिकल मेथड है क्योंकि हमें कुछ भी बाहर से यूज नहीं करना पड़ता. इट इज यूज फॉर एनालाइजिंग द प्रोडक्शन टाइम्स फॉर वेरियस पर्पसेस. यहाँ पे बात वही है कि इस चीज को हम अलग अलग प्रोडक्शन टाइम की कैलकुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं कई पर्पसेस में. एंड प्रॉपर प्लानिंग इज डन इन डिजाइनिंग ए जॉब. इसको हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है डिजाइनिंग में भी. प्रोडक्शन कंट्रोल में हम यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड डाटा को. इफेक्टिव मैन पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं और उनकी कॉस्ट निकाल सकते हैं. प्रोडक्शन ऑपरेशंस आर बैलेंस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड डाटा. इंसेंटिव प्लान्स आर द बेसिक्स ऑफ स्टैंडर्ड डाटा. इंसेंटिव क्या होती है? जो आपकी सैलरी होती है उसको बनाने में भी स्टैंडर्ड डाटा का बहुत ज्यादा यूज है. इवेल्युएटिंग द ऑटोमेटिक वर्किंग मशीन्स व्हिच आर हैंडल्ड बाय यूजर. ऑटोमेटिक मशीन्स आजकल उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, बट हमें पता नहीं होता कि वो कितना आउटपुट दे सकती है, एक वर्कर उसको कितना आउटपुट दे सकता है. उसका सही एस्टिमेशन लगाने के लिए हमें स्टैंडर्ड डाटा की जरूरत होती है. एंड कैलकुलेटिंग द परसेंटेज आउटपुट ऑफ द ऑपरेशंस डन मैनुअली. और जो हमने मैनुअली जितना भी काम किया उसका सही ढंग से आइडिया देने के लिए हम ये स्टैंडर्ड डाटा की यूज करते हैं. तो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.